गुरदासपुर जिले के हलका डेरा बाबा नानक के विधायक सुजिंदर सिंह रंधावा की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर शिकायत का निरीक्षण करने पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। हलका डेरा बाबा नानक वही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में हुई बड़ी खामियों को लेकर सीवरेज बोर्ड के SDO को मौके पर किया सस्पेंड और कैप्टन सरकार का संकल्प दोहराते हुए कहा गड़बड़ी घोटाला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं बिजली का मुद्दा हो या हरजीत सिंह सज्जन या फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और SVIL के मुद्दे का वे ये कहकर टाल गए कि इन सवालों का जवाब कैप्टन देंगे। जब प्रेस वार्ता में सरकार के द्वारा बिजली बेचने का सवाल पूछा तो सिद्धू ने कहा कि पंजाब के पास सस्ती बिजली है, अगर पर यूनिट 4 रुपये बचते हैं तो बुरा क्या है। वहीं जब कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन SVIL मुद्दे और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ रही स्थिति पर सवाल किया तो यह कहकर टालते हुए ये कहकर चलते बने कि हमारी सरकार के कैप्टन अमरिंदर सिंह है और इन सभी के बारे में उन्हीं से पूछो। गुरदासपुर से संजय सैनी के साथ अवतार सिंह। मेरा जिहड़ा महकमा है तो उहदे ते सवाल कर मित्रा, उहदे ते तैनूं हर जवाब मिलेगा क्योंकि मैं सारी तैयारी की हुई है, हर बंदे नूं हर अफसर नूं ऐन खिच के रखे रबड़ वांगू। जिहड़ी गल पुलिसिंग दी है या होर है उहदे बारे मैं तैनूं कहां वी असीं बड़े संजीदा तरीके नाल ड्रग्स नाल डील कर रहे हैं, वह तुहानूं कैप्टन साहब ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकदे, SSP जवाब दे सकदे या पुलिस डिपार्टमेंट। ओ भाई बिजली दा डिपार्टमेंट उहनूं पुछो ना, जिहड़े मिनिस्टर ने बिजली वाले उहनां नूं पुछो। कैप्टन साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, वो काफी नहीं। अरे भाई मेरी बात सुनो, बिजली में इतना घाटा पड़ा है, 30-30 हज़ार करोड़ रुपए का घपला हुआ है, ठीक है। उसी वजह से अब परमिशन मांगी है कैप्टन साहब ने कि हमें बिजली जो है सस्ते रेटों पे मिलती है, हम 7 रुपए में बेच देंगे जो 3 रुपए की मिलती है और वो 4 रुपए हम पंजाब के डेवलपमेंट के लिए खर्चेंगे, तो इसमें क्या आपत्ति है किसी